हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। दशम स्कंद है ये 41 नंबर अध्याय। तो आज यज्ञ भूमि में जो धनु तोड़ा गया था उसकी बारे में चर्चा करेंगे। जब अक्रूर ने भगवान को प्रणाम किया तो उस समय भगवान उस जल से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा कि ये बताया गया कि कोई एक्सपर्ट ड्रामाटिस्ट तो नाटक कर रहा है, अपना जो कपड़े होता है ना ड्रेस, नाटक का पोशाक, वो तुरंत तुरंत चेंज कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी, और करके फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसा ही विष्णु मूर्ति डिसअपीयर हो गया वहाँ से, तो अक्रूर जी जल से निकले, यमुना की जल से, फिर बाकी उन्होंने जो भी जैसा कि रीति के अनुसार जो भी बाकी सारे कार्य उन्होंने किया, तो फिर उन्होंने बलराम कृष्ण जो रथ पर बैठे थे वहाँ पर गए, और उन्होंने उनको शक ये हुआ, तो भगवान कृष्ण ने ये पूछा उनको, क्या उन्होंने जल के अंदर कुछ देखा? वो तो देखे थे अंदर, लेकिन कृष्ण वहाँ पूछ रहे, आपने कुछ देखा ऐसा? आप जल के अंदर या स्पेस में कुछ देखा, आकाश में कुछ ऐसा दिखा? अक्रूर ने कहा, हे भगवान, जो भी इस दुनिया में कुछ आश्चर्यकर घटना हो रहा है, समथिंग मिराकुल, समथिंग एस्टोनिशिंग, और ऐसा कोई घटना हो रहा है, हो सकता है ये आकाश में हो या जल में हो या स्थल में हो, ये सब आपकी विश्वरूप के अंतर्गत है, विश्वरूप में है ये। जब मैं आपको देखा, मैंने क्या ऐसा नहीं देखा, सब कुछ देखा, है ना? तो ये भी स्टेटमेंट जो अक्रूर जी का था, ये वैदिक साहित्यों में ये हमको प्राप्त होता है, जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। कृष्ण को जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया, और जो कृष्ण को देख लिया वो सब कुछ देख लिया। कितना भी आश्चर्यकरण घटना हो, हे भगवान, अक्रूर ने फिर आगे कहा, आपसे बढ़कर कोई आश्चर्यकर घटना नहीं घट सकता है, और आपकी ये जो विश्व रूप है, जब मैं आपका इसे दिव्य रूप को देखा, और देखने को बाकी क्या रहा, सब कुछ देख लिया। इस तरह कहने के बाद अक्रूर तुरंत ही रथ के ऊपर बैठ गए, सवार हो गए और रथ हाँकने लगे। उन्होंने दिन के अंत तक, मतलब उन्हें मथुरा के बड़ा पर पहुँच गए, मथुरा तक पहुँच गए। उन्होंने वृंदावन से मथुरा आए थे, काफ़ी दूर होता है, अभी भी हम लोग जाते हैं जैसे बरसाना बरसाना वगैरह, नंदगांव वगैरह, तो काफ़ी 3 घंटा लगभग लगता है कि 4 घंटा, नंदगांव बरसाना ज़्यादा लगता है ना, पूरा दिन चला जाता जाके आते थे, है ना? तो शाम हो गया था, फिर रथ भी आए थे। तो वृंदावन से मथुरा में आने के वक्त जो भी लोग गुजरते थे उधर से उस रोड पे, वो कृष्ण बलराम को देखे, लेकिन वो लोग बारंबार देखते रहे, कोई जा रहा था फिर आ जाएगा, कृष्ण बलराम, वो मतलब देखते रहे अगेन एंड अगेन। उस समय वृंदावन के जो वासी है, जिसमें कि नंद उपनंद आदि, वो लोग सब पहले ही मथुरा पहुंच गए थे,
वो लोग जंगल से गए थे, मतलब शॉर्टकट रोड पे, और वो लोग सब कृष्ण बलराम का अपेक्षा कर रहे थे वहाँ गार्डन पर। जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुँच गए और रथ से उतरे और उन्होंने पहले हैंडशेक किया और गुरु जी के साथ, और कृष्ण उनको कहा आप भी घर जा सकते हो। कारण यह है कि हम लोग मथुरा में बाद में पहुँचेंगे, हम थोड़ा मथुरा में लेट में जाने वाले हैं, हम थोड़ा, और हमारे भी बहुत सारे यहाँ एसोसिएट्स आए हैं जो भी हमारे संगी लोग आए हैं। अकुर ने कहा हे भगवान, मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता, आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपके दास, आप कृपया मुझे अभेड़ ना करें, मतलब, और मेरे साथ चलिए, आपके बड़े भाई के साथ और बाकी आपके जो ग्वाल फ्रेंड्स लोग आए हैं उनके साथ, और मेरे घर में चलिए, मेरे घर को थोड़ा पवित्र कर लीजिए। हे भगवान, अगर आप आएंगे मेरा घर पवित्र हो जाएगा आपके चरण की धूल से, और आपके जो चरण का जल है जिसको गंगा कहते हैं वो सभी का उद्धार करता है, सभी का शुद्ध करता है, करती है। ऐसा होता है कि पूर्वज को, पूर्व पुरुषों को भी उद्धार करती है, आग को और देवताओं को। बड़ी महाराज जो है ना, इनको ये उनकी नाम का जस गान हुआ सभी जगह, इसीलिए कि वो आपके चरण को धोए थे बड़ी महाराज। पहले बड़ी महाराज ने चरण धोए भगवान जब आए थे उनके यज्ञ में, और जब धो लिए तो उनको क्या क्या मिला, उनको पूरा बहुत सारे भौतिक ऐश्वर्य मिला, और फिर उन्होंने सुतल्लो को प्राप्त किया, उनको उच्च लोक एलिवेशन हो रहा है और फिर उनको मुक्ति होगा, ऐसा उनका कन्फर्म है। ये जो गंगा जल है ये केवल इस तीन लोक को उद्धार नहीं करती, परंतु भगवान शिव अपने माथे पर सदैव गंगा को धारण करते, गंगा जल को। जो भगीरथ के पूर्वज थे, सगर के बेटे लोग जो है, ये लोग सब गंगा के जल से उद्धार हो गए और स्वर्ग को प्राप्त किए। हे भगवान, हे जगत के स्वामी, व्यक्ति को आपके जो दिव्य कथाओं को श्रवण करने से उसके सारे दुख चला जाता है। हे नारायण, जिनको लोग बहुत सारे सुंदर श्लोकों में स्तुति करते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा अक्रूर का प्रार्थना था। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी मैं श्योर आपके घर में आने वाला हूँ, है ना, मेरे बड़े भाई भी आएंगे, ताऊ जी भी आएंगे, हम दोनों आने वाले हैं, लेकिन ये जो यदु वंश के जो शत्रु लोग हैं, जो बहुत सारे जो राक्षस लोग हैं, इनको मारने के उपरांत इसके द्वारा मैं मेरे रिलेटिव्स लोगों को, जो मेरे संपर्क के संबंधी लोगों को पहले आनंद देना चाहता हूँ, फिर आप। अकुर थोड़ा बहुत उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुए वो इन शब्दों से, लेकिन भगवान के इस आदेश को उन्होंने अवमाना भी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने नहीं चाहते थे कि कुछ, इसलिए वो माने। तो इसलिए अकुर जी पहले मथुरा में चले गए और कंस को कहा कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, तो फिर अपने घर में गए। अकुर चले जाने के बाद कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल साथी लोग जो है, ग्वाल फ्रेंड्स लोग, ये सब मथुरा में प्रवेश किए, मथुरा सिटी में। तो उन्होंने देखा कि मथुरा का जो गेट है ये फर्स्ट क्लास मार्बल में बना हुआ है, तोरण ऐसा बहुत सारे, मैं गांव में महाराष्ट्र में जाता हूँ, गांव से पहले एक तोरण होता है, मतलब गेट होता है, उसमें लिखा रहता है परम पूज्य ये महाराजांचा हार्दिक स्वागत, ऐसा कुछ लिखा रहता है, सप्रेम स्वागत ऐसा। तो ये सब देखा
और ये मथुरा सिटी बहुत सुंदर, अभी भी जाओगे मथुरा सिटी बहुत सुंदर लगता है मथुरा सिटी। और वहाँ पर बड़े बड़े गार्डन था और चार्ज था, मतलब और चार्ज मतलब क्या बोलते, बालकोनी ऐसा। और ये पूरा सिटी केनाल से घिरा हुआ था, इसके द्वारा कोई भी शत्रु उसमें प्रवेश ना कर सके। उन्होंने मैं देखा वहाँ पर बहुत बड़ा क्रश रोड था, क्रश रोड काल हम लोग देख लेते हैदराबाद में, ऐसा क्रश रोड के आप हैरान हो जाओ, मैं कई बार उसमें भुलभुलिया जैसा है, इतनी बड़ी क्रश, हाँ बहुत बड़ी क्रश रोड है। और ये सब क्रश रोड डेकोरेटेड हुआ था गोल्ड में, कॉपर ब्रास, स्टोर हाउसेस पर स्टॉकिंग ग्रेन्स स्तर था। और वहाँ पर बहुत बड़े धनी लोगों का भी घर था और सब सामान जैसा दिखता था, एक दूसरे से लगता एक ही जैसे लगता था। कभी कभी ऐसा हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कॉलोनी सेम से जैसा बिल्डिंग बना रहता है, और लगता है मैं तो इधर से आया था अभी, ऐसा लगता है ना। और सब जो घर था वो सब कॉस्टली ज्वेल से, बहुत सुंदर सुंदर मोती मणि इसमें से सजाया हुआ था। और कंपाउंड में बहुत सुंदर फ्रूट्स स्प्रेड था। मैं इस बार गया था जो बंगाल में, अब बंगाल में जाओ गांव गांव एरिया में बहुत पेड़ है हर जगह पर, मतलब घरों के एरिया में पेड़ भरे रहना चाहिए, है ना, पेड़ इधर खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ पेड़ लगा रहना चाहिए, जिधर भी खाली जगह है वहाँ पर पेड़ लगना चाहिए, है ना। तो बंगाल में आप जाओगे तो बहुत ऐसा, मतलब हर जैसे जंगल में आप आ गए ऐसा लगेगा, पेड़ ही पेड़। वृंदावन में भी ऐसा। और जो कॉरिडोर्स था, बारंडास था, ये सब घर के, ये सब सिल्क एम्ब्रॉयडरी वर्क इन ज्वेल्स एंड पर्ल्स, तो बहुत सुंदर से ढका गया था। जैसे कि पायदान में हो, हम लोग रखते हैं ना कुछ कपड़े वगैरह घर को, तो लेकिन इतना सुंदर था। अभी सोचोगे क्या ये लिखा गया है ऐसा ही शास्त्र में वर्णा, वो वाकई ऐसा ही था। ब्रिटिश लोग मुगल लोग इतना चोरी किया, इतना ले गए, इतना ले गए कहने का नहीं। नादिर शाह इतना चोरी किया था इंडिया से, अफगान में 3 साल तक उन्हें टैक्स कलेक्ट करना नहीं पड़ा, मतलब टैक्स कर्जा माफ, कुछ भी नहीं लेना है लोगों से, इतना लेके गए थे, सोच सकते हैं आप पूरी बजट। तो इतना जिसे ले गए हैं। और जो कॉरिडोर्स बरंडाज है, ये जो घर के सिल्क कहते चल, फिर बालकोनी विंडोज में वहाँ पर कबूतर, आपको मयूर, ये सब चलते हुए मोइंग करते हुए, कुकिंग करते कुइंग करते हुए आपको दिखेगा, पक्षियाँ भी दिखना चाहिए घर के, किसी घर में जाओगे गाय कुछ पक्षियाँ दिखने से अच्छा लगता है ना, किसी देर जाते हैं ना तो ऐसा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके लोग जब मेहमान आते हैं घर में, पशु पक्षी रहते हैं, वो लोग उसी की चर्चा में काफ़ी समय बिता देते हैं, उसको देखते, उसको संवारते। अब देखा हमने कई बार कई घरों में गए गांव गांव एरिया में, तो हमारा भक्त लोग सब गाय बैल रखते तो उसके पीछे पड़े रहते। वो एक भगत था, वो बोला था गाय कौन सा बैल कौन सा पहचान नहीं पाया वो बोला ये गाय है कि बैल है बताओ। वो बोलते हैं बैल को गाय बोल रहा है, गाय को बैल बोल रहा है, मेला बोल लो कहाँ से आया तुम। और इस तरह बहुत सुंदर सुंदर गार्डन, जहाँ पर बहुत सुंदर सा फूल था, तरह तरह के फूल। और जो आजकल जो घास है ना, फॉरेन घास जो लगाते हैं वो, और बहुत सुंदर सा था गुलाब का फूल ऐसा। और घर की एंट्री करना चाहते थे जिस घर में, जो अब दरवाज़ा भी देखते हैं, इसमें से पहले वाटर पर कुंभ रखा जाता था, जल कुंभ मिट्टी का, पहले वो आम का पत्ता उसमें डाला जाता था, कोई घर से बाहर जाता था तो उसको घर के सामने रखते हैं। आप इधर रखते हैं, कोई घर से बाहर निकल रहा है बहुत दिन के लिए, कहीं अपने दूर जा रहा है,
तो वो घर के उसको घी खिलाते हैं, कुछ कुछ खिलाते हैं, दूध भी घी ना है ना, ऐसा ऐसा पूरा उधर था। तो उसमें जल, यगरूत, सैंडलवुड पुल्प मतलब चंदन, और फिर फूल में पानी छिड़कना, ऐसा और घर में ऐसा किया गया था। और वहाँ पर अलग अलग तरह तरह की दीप भी जल रहा था घर के सामने दीप। और इसमें बताया गया कि मैंगो लिप्स में आम के पत्ते से में घर के तोरण, हम लोग पहले आम के पत्ते में वो सुतली लेकर के मतलब धागा लेकर, बहुत बड़ी धागा लेकर के आम के तोरण में वो बीच में झंडा जैसा पेपर को काट करके वो सब हम करते थे। जैसे जनरली खास करके गणेश पूजा सरस्वती पूजा में हम लोग ऐसा दो दिन तक डेकोरेट करते रहते थे बच्चे लोग। तो ये जब न्यूज़ स्प्रेड हो गया वहाँ पर कि कृष्ण बलराम इज कमिंग, हाँ ऐसा हुआ मथुरा सिटी में, सारे लोग इकट्ठे हो गए। और ख़ास करके जो स्त्रियाँ थी, लड़कियाँ थी, ये सब अपने घर के बालकोनी में जा कर के देख रहे थे। और वो लोग से वेट कर रहे थे कृष्ण बलराम का आने को, और बड़ी तरस खा रहे थे कि कब आएंगे, कब आएंगे, अभी आएंगे और कुछ समय। ऐसा लगता है ना कभी कभी अपना आ रहा है तो लोग कई बार दरवाजे के पास जाकर लौट आते हैं कि अभी आए क्या, नहीं नहीं आए, गाड़ी तो नहीं आया। फिर कुछ समय के बाद अभी, अरे हाँ तो आ गए उधर से, अगर कार पार का हॉर्न फॉर्न बज गया तो हाँ आ गए है ना। ऐसा बड़ी तरस खा रहे मतलब लोग जा रहे थे आ रहे थे। और सब कृष्ण बलराम को देखने के लिए बड़े ईगर थे, लेकिन स्त्रियां भी कहीं अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहन पाई थी वो लोग, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, अभी आए तभी आए, ऐसा छूट गया था। और कुछ लोग जो है अपने कपड़ा का रंग तरह पहन लिया था मतलब जो मैचिंग हो, ड्रेसिंग हो, जैसा होना चाहिए वो सब उल्टा पुल्टा है रंग प्लेसेस। और कहीं कहीं लोग आँखों की काजल लगाना था, कई लोग एक ही साइड में काजल लगा लिया है, दो साइड में नहीं, भूल गई। एंड कई लोग एक ही पैर में ही पायल लगाया है, एक पैर में नहीं है? और कई एक ही कुंडल लगाया, मतलब इयर रिंग लगाया, दूसरा नहीं, ऐसा भी हो गया, छूट गया कई कई चीज़। कभी कभी राधारश्मि का ड्रेसिंग वगैरह होता है, कुछ कुछ छूट जाता है, लगा नहीं पाते, कि भाई छूट गया उधर लगा जा करके है? कभी कभी ऐसा होता है गंजी खास करके उल्टा पहना जाता है, क्योंकि उल्टा लग जाता है, मतलब हास्टी में कई बार मेरा तो कपड़ा जो ऐसा होता है उल्टा भी पहन लेता हूँ, और बाद में देखता अरे उल्टा कैसे पहन लिया है ना, ऐसा होता है। तो इस तरह वो लोग अपने को ठीक से भी सजावट नहीं कर पाए, और वो कृष्ण को देखने के लिए छात के ऊपर गए। और कई लोग ये भी बात कर रहे थे, टेकिंग देयर लॉन्च, उन्होंने लॉन्च भी लिया था, जब ही कृष्ण बलराम आ रहे देख लिया, वो अपने खाना छोड़ कर निकल गए। ऐसा कभी हुआ है आधा खाए उड़ के तो चले जाते? तो हमारा उधर ऐसा होता था, पहले दंड यात्रा होता था ना दोपहर में, तो हमको ऐसा लगता था रोज़ दंड यात्रा रहे हमारा घर गाँव में, मैं बताया था ना दंड यात्रा, ऐसा मुझे लगता था कि रोज़ हमारे गाँव, मतलब दूर से हम नहाने के लिए नदी में जाते थे, उधर से आते आते अगर दूर से वो बाजा बजता था उधर से आने वाला, तो पता घंटा और बाजा का शब्द सुनता था ना, मैं भगवान को चार बार प्रार्थना करता कि हे भगवान आज हमारे गांव में दंड यात्रा रख ले, काली रखा गया होगा हाँ। तो हम लोग दंड यात्रा रात भर देखते, सुबह पकड़ खाते हुए सो जाते अगर कभी कभी पूरा नेक्स्ट डे होता है रख लेते, कभी कभी दो दिन ऐसा रख लेते दंड यात्रा, कभी कभी ऐसा होता है अच्छा अगर दंड आया है तो ऐसा होता था कि हम लोग पूरा सो जाते थे। और ये प्रोग्राम जब होगा दोपहर में उठेंगे तीन घंटा देखेंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि 12 बजे दंड यात्रा होगा ना, तो हम लोग पूरा बराबर हमारा टाइमिंग को फिक्स करके रखते थे कि रात को देखना है। और तो खाना खाते हुए भी कई बार उठ करके रास्ता आता हाथ भी नहीं धोया,
जाके घर के बारांडा में हाजिर रहे देखने के लिए। हाँ, कभी मुंह में भी अच्छा से मुंह में कुछ लगा रहता था, वो चले चल देते थे ऐसा। तो कृष्ण बलराम जब उधर प्रवेश किए, तो खाना भी छोड़ के लोग चले गए, और कई लोग बाथरूम में थे और नहा रहे थे, और नहाना आधा भी हुआ नहीं, वो कृष्ण बलराम को देखने के लिए चड्डी में निकल गए घर से बाहर। ऐसा भी, और कई लोग अपने बच्चों को दूध पिला रहे थी माताएं, और बच्चों को उधर पटक करके चले गए देखने के लिए। बच्चा रो रहा है इधर छोड़ करके। और इस तरह कृष्ण बलराम उन्होंने देखा, पासिंग बाय वेरी स्लोली एंड स्माइलिंगली, भगवान कृष्ण बलराम देख रहे थे, हाथ हिला रहे थे, आप सोचो। और कृष्ण बलराम उनके हृदय को चोरी कर लिया, हार्ट को चोरी कर लिया, उनको देख करके सब देवर वेरी मच हैप्पी। और जो कृष्ण बलराम कौन है, जो कि लक्ष्मी के पति है, और उस रास्ता पे जैसा कि एक हाथी जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा था, हाथी देखने के लिए भी लोग जाते हैं बाहर। ये जो मथुरा की स्त्रियां हैं, कृष्ण बलराम को बहुत पहले सुन रखे थे, कृष्ण बलराम के बारे में इतना सुंदर है, ये है वो है, पूरा सुन रखे थे। तो इसीलिए उनकी जो वो लोग बहुत आकर्षित थे देखने के लिए। जब अभी उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा कि रास्ता पर जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी मंद हास्य में देखे और उनको बहुत आनंद मिला जब उन्हें देखा कि अपने आँखों में कृष्ण बलराम को, और उन्होंने अपने आँखों से कृष्ण बलराम को अपने हृदय में ले गया, और उसी में ही उन्होंने आलिंगन करना चाहे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि गोपीश दे एक्चुअली जब वो देखती थी कृष्ण बलराम को, वो आँखों से ही कैद कर लेती थी, आँखों से कैद करके अपने हृदय में कैद कर लेती थी। बोलते अभी तो जा पाओगी तब तो हम मंदिर ही छोड़ेंगे नहीं अब, ऐसा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मैं कई साल पहले इसके बारे में सुना था। और उन्होंने पूरी बहुत आनंदित था, और फिर उन्होंने इससे उनको बहुत एक्सटेसी मतलब आनंद की चरम सीमा को प्राप्त हुआ। उन्होंने सुना कृष्ण के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था कृष्ण बलराम। किसी के बारे में बहुत बार आप सुनते हो लेकिन देखे नहीं हो तो बड़ी ये रहता है। और मेरे लिए एक बार ऐसा घटना हुआ था कि मेरे बुआ जी के घर में कभी भी नहीं देख गया था, जो कि हमारा उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में थे, महानदी के बाजू में उनकी घर थी। तो लोग कई बार आते थे, तो मैं बाकी जो दो बुआ जी के घर में जाती थी जो 9-10 पढ़ रहा था, इनके घर में कभी नहीं गया था, बाकी बाजू बाजू था उनके घर में जाया करता था। और मुझे बड़ा अच्छा लगता मेरे बुआ जी के घरों में जाने के लिए, मैं कई दिन रह जाता था उनके घरों में। तो मुझे ऐसा लगता था इन लोग आते थे तो मुझे लगता था कि इनके घर में कभी जाया जाए। तो मेरे सपनों में ऐसा लगता था कि वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, और मैं उस तालाब में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ इधर। वाकई में गया नहीं था कभी मैं, कभी मुझे सपनों में ऐसा लगता था। मैं रात को सोता था ना, जब एक आपको बहुत उत्साह लगता ना, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, जाना चाहिए, देखा नहीं ऐसा, तो वाकई वैसे ही मैं दिखता था जैसा था एक्चुअली। और 2 साल तक मैंने उसमें 90 एकड़ की ज़मीन में बहुत बड़ा एक सागर जैसा तालाब था, उस तालाब से गुजर के मैं हाई स्कूल जाया करता था 2 साल तक। और वहाँ पर बहुत पानी होता था, हम लोग स्पोर्टिंग करते थे कभी कभी, हम लोग 3:30 में छुट्टी में आते थे, हमको पहले छुट्टी कर देते थे, मैं और मेरे सेकेंड में, हम फर्स्ट सेकेंड दो स्टूडेंट, हम लोग दूर से आते थे, वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम साइकिलिंग करके जाते थे पढ़ने, फिर हम रिटर्न करते थे। तो 3:30 से हमको रोज जो लास्ट जो प्ले होता था जो पीरियड प्ले का, हम निकल जाते थे, और उसी जो तालाब में हम लोग जाके, हाँ एक बार तो नाव लेके चले गए थे, और अंदर से आते आते आधा में डुबा के चले गए नाव को, बाजू में था नहीं तो हम टपटक जाते टपक जाते थे, उसकी कोई नहीं था उधर। और इस तरह
तो आप अगर ऐसा कभी कभी सोचते हो तो वो सच होता है। इस तरह की जब हम सोचते हैं ना, और महिलाएं ऊपर से कृष्ण बलराम के ऊपर फूल बरसाए, फूल बरसा रहे थे, ये सारे ब्राह्मण लोग जो है ना आजू बाजू के, वो लोग चंदन का जल लेकर के और फूल लेकर के स्प्रिंकल कर रहे थे, और इस तरह उनकी बड़ी स्वागत हुई। आज के समय में ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज के समय में पहले ज़माने में जब पूरे रास्ता को स्प्रिंकल होता था गुलाब जल में, अतर में, इतना रिच कल्चर था रहे इंडिया में। अभी आजकल ऐसा थोड़ा बहुत कर पाते हैं कभी कभी हैं, और मथुरा के सारे वासी अपने से बात करने लगे, और उन्होंने इससे प्रतीत होता है कितने एलिवेटेड लोग थे और पायस एक्टिविटीज ऑफ पीपल ऑफ वृंदावन, और बात करते कितने महान है ये जो वृंदावन वासी है, कितने उनकी भाग्य अच्छा है कि कृष्ण बलराम को रोज देखते हैं, इस तरह बात कर रहे थे। और इन्होंने सरप्राइज भी हुआ कि उन्होंने कहने लगे कि कृष्ण बलराम को देखने के लिए लोग पूर्व जन्म में कई पुण्य किए होंगे, कृतांजलि, कृत पुण्य कृतांजलि, मतलब पुण्य को इकट्ठा किए, इसीलिए ऐसा उनको मौका मिला है कि उन्होंने डेली कृष्ण बलराम को देख रहे थे, दर्शन करने के उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कृष्ण बलराम इस तरह पासिंग किया, उधर से गुजरे, तो उन्होंने पहले एक धोबी को देखा। वो जो धोबी था ये कपड़ों को डाइंग करता था, धोना और किसकी कलर करना है सब। तो कृष्ण ने कहा कि हमें थोड़ा अच्छे कपड़े दे दो, कपड़े कुछ, और उनको भी कहा कि प्रोमिस भी किया, अगर वो कुछ अच्छे कलर हुआ कपड़े देंगे वो, और उसको भी आनंद मिलेगा, उस धोबी को तुम्हें आनंद भी मिलेगा और तुम्हारे भाग्य बदल जाएगा। कृष्ण कोई बेगर नहीं है, इस मांगने का अर्थ ऐसा नहीं कृष्ण कोई किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं था, ऐसा नहीं है, ना तो उनको कपड़े का जरूरत था। वो जो कपड़ा देते हैं, द्रौपदी को कपड़ा दिए थे इतना अनगिनत कपड़ा, बट बाय दिस रिक्वेस्ट इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया कृष्ण जो चाहते अगर वो मांगे तो लोग देना चाहिए, ये इंडिकेशन है, इसकी प्रतीत हो रहा है। अगर कृष्ण मांग रहे वन ग्लास वाटर, यू हैव टू गिव दैट, कृष्ण को मांगे कि आपका मन मुझे दे दो, तो आप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। कृष्ण का मन मना भव मद भक्त। हाँ आज आजकल और एक बड़ा ये बात है कि लोग बोलते हैं ये मेरा विश्वास है, वो है वो है, जब रिलीजियस बुक्स आता है तभी ऐसे बात करते बदमाश लोग, पढ़ने के टाइम नहीं बोलते हैं, और बाकी टाइम जीवन में कमाई करने के टाइम नहीं। मैंने कहा क्या रिलीजियस सब्जेक्ट क्या इतना आसान पढ़िए कि जिसको आप लोग खाली मेरा विश्वास बोल दो, इसकी पढ़ाई नहीं है, बाकी में पढ़ाई में इसमें बोले तो हमारा विश्वास। तो कृष्ण चाहते हैं ओई ओई, तो इसके अर्थ अगर हम देना चाहते कृष्ण को, इसको कहते कृष्ण भावना मूर्त, कृष्ण जो मांग रहे फॉर गिविंग। लेकिन दुर्भाग्यवशतः वो जो धोबी था वो कंस का सर्वेंट था, तो लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर पाया, कृष्ण बलराम मांग रहे थे ना तो उसको अच्छा नहीं लगा। ये है बैड एसोसिएशन का इफेक्ट, गलत संग का इफेक्ट ऐसा होता है। अगर आप गलत संग करते हो तो आपको कहा जाएगा कि चलो भगवान के मंदिर जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। चलो गीता पढ़ते हैं, बोलोगे बकवास। हाँ चलो कुछ करते हैं, कि कोई वियर्ड एसोसिएशन का फर्क होता है। वो तुरंत कपड़ा दे सकते भगवान को, और भगवान ने भी उनको कहा था कि माँ सुचह, तुम्हें सब कुछ होने वाला, अच्छा मिलेगा,
लेकिन कम से कम दास होने के नाते, उसकी सर्वेंट होने के नाते, ये जो पापी राक्षस था, दानव था, ये ग्रहण नहीं किया, उस एक्सेप्ट को ग्रहण नहीं किया। वो खुश होने के अलावा वो क्या क्या खुश तो हुआ नहीं, इतना गुस्सा हो गया और भगवान को उनकी जो रिक्वेस्ट था उसको रिफ्यूज कर दिया, बोला कि नहीं चाहिए, नहीं देने वाला। वो ऊपर से कहने लगा, आप किस तरह साहस कर रहे हो, जो राजा के लिए कपड़ा है उस कपड़े को तुम मांग रहे हो, राजा के कपड़े को, हैं, तुम्हारा साहस कितना है। और फिर कृष्ण बड़ा को उपदेश देने लगा, माय डियर बॉयज, ये लड़के भविष्य में ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, इतना दुष्टता ठीक नहीं है। जो राजा का सामान है उसको मांगना तुम्हारा ठीक नहीं है, नहीं तो तुम लोग को दंड मिलने वाला है, सरकारी लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और दंड देंगे, तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और तुम्हें पनिश भी करेंगे और तुम्हें कठिनाई में पड़ जाओगे तुम लोग। मेरा यही कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कोई अगर बेआईन की तरफ से, बेआईन हिसाब से अगर राजा का प्रॉपर्टी को हड़पता है उसको बहुत दंड मिलता है, बहुत कोड़े मिलते हैं। अभी रिसेंटली कोड़े के जो प्रथा है सऊदी अरब में, उसको उठा दिया गया, कोड़े मारने की। सऊदी अरब में 100 कोड़ा 1000 कोड़े ऐसा चाबुक मारे। इसको सुनने के बाद भगवान कृष्ण जो देवी के पुत्र बहुत गुस्से हो गए उस धोबी की, और अपने हाथों से थोड़ा उनको चप किया ऐसा, अपर पर्सन विज हैंड, और ऐसा करने से उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। आप सोच सकते हैं, अगर हाथ से अगर ऐसा मारा जाएगा किसी का सर से धड़ अलग हो जाएगा ना। अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, इंडियन पिलान कोर्ट में अगर होगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कोई हथियार नहीं यूज हुआ था, हथियार था ही नहीं तो चौप कैसे किया, तो हाथों में लोग समझ नहीं सकते। हाँ, अगर हिरण्यकश्यपु भगवान जैसे मारे थे तो हमारा ये जो लोग है ना, डीएनए टेस्ट पीएनए टेस्ट करके तो पता चलेगा कि हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह भगवान ने मारे हैं, नहीं तो ऐसा नज़ीर मिलेगा नहीं, भाई कैसे फाड़ा था, कौन सा चाकू इस्तेमाल किया था। और ये जो धोबी था तुरंत जमीन पर केले के पत्ता की तरह गिरा। इस तरह कृष्ण भगवान कन्फर्म किए ब्रह्म संहिता में से कि भगवान की हर अंग जो है, अंगनान्यस्य सकड़ेन्द्रिय वृत्तिमंति, हर अंग से वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो भगवान बलराम एक बार घास का तिनका यूज किए जिससे रोमहर्षण ऋषि का गला कट गया था। बिना अस्त्र से, विदाउट ए सोर्ड, तलवार से, केवल हाथ से भगवान ने उसकी सर को कटअप किया था। तो इस प्रूफ है कि भगवान ओमनीपोटेंट है। लेकिन ये लोग ओमनीपोटेंट के बारे में इतना बार सुनने के बाद में, ये बदमाश लोग पढ़ते नहीं और समझने के लिए भी प्रयास नहीं करते। भगवान ऐसा करते। इस प्रकार की घटना के बाद ये वाशरमैन तो अकेले नहीं था, मतलब डाइंग कंपनी का हेड था शायद, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कपड़े आता है। वहाँ ये जो मारा गया, ये साधारण से कोई धोबी नहीं था, राजा का धोबी, मतलब राजा के पास धोने के लिए कितना कपड़ा आता होगा, पूरी राजवाटी का पूरा टेंडर लेके रखा हुआ, उस व्यक्ति का मारे थे भगवान। तो इसलिए जो भी उसके जो एम्प्लॉयज थे बाकी, ये सब डिसअपीयर हो गए और कपड़े छोड़ के भाग गए थे। तो कृष्ण बलराम तो इसका फायदा उठाए, अपने इच्छा से जो कपड़ा उनको अच्छा लगा पहन ली।
सबसे बेस्ट। हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है देखो, कौन सा फीट भी खा रहा है देखो, अपने चॉइस से। और वो कपड़े बाकी जो है ना वो ग्वाल वालों को दे दिए, तो सभी लोग पूरा कपड़ा पहन लिए और वो लोग भी अपने इच्छा से कपड़ा पहने, जो भी इच्छा लगा वो ही पूरा अच्छा से फर्स्ट क्लास। और जो कपड़े नहीं पहन पाए जो बच गया वो पड़ा था उधर। और कृष्ण बड़े वो लड़के सब फिर उन्होंने फिर आगे बढ़ने लगे। उस समय फिर एक टेलर मिला और जो कि भगत था, तो उसको सेवा का मौका मिल गया एंड प्रिपेयर सम नाइस क्लॉथेस फॉर द क्लॉथ फॉर कृष्ण बलराम। कुछ कपड़े अच्छा बना लिया, मतलब जहाँ थोड़ा फिट फाट करना था इधर कहीं सेफ्टी पिन, कहीं थोड़ा सिलाई करके फिटिंग। और इस तरह फिटिंग कपड़ा पहले प्रिपेयर सम नाइस क्लॉथेस फ्रॉम द क्लॉथ फ्रॉम कृष्ण बलराम। और इस तरह बहुत अच्छे सुंदर सजावट होने के बाद कृष्ण बलराम ऐसा लग रहे थे मानो कभी कभी हाथियों को पूर्णिमा के दिन सजाया जाता है राजवाटियों में बहुत सुंदर से कपड़ों में, और नहीं तो अमावस्या के दिन। तो उस तरह सुंदर कपड़े बहुत सुंदर लग रहे थे लोग, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए उस टेलर से एंड गेव हिम द बेनेडिक्शन सारूप्य मुक्ति। उसको भगवान अपने जैसा रूप दिया, क्योंकि उन्होंने रूप दिया ना, तो कृष्ण को आप यू कैन गिव समथिंग वैल्यू। अगर कोई माता जी कपड़ा सीती सिलाती है और भगवान के लिए ड्रेस बना रही बना दी, तो उसको क्या मिलेगा? सारूप्य मुक्ति। विच मीन्स इसका अर्थ है दैट आफ्टर लिविंग हिज बॉडी ही वुड बी लिबरेटेड। मरने के बाद आटे ने 400 बॉडी एग्जैक्ट लाइक दैट नारायण, वैकुंठ में चार भुजा वाला शरीर मिलेगा। कृष्ण ऑल्सो ग्रांटेड हिम दैट एज लॉन्ग एज ही वुड लिव ही वुड अर्न सफिशियंट ऑपुलेंस टू बी एबल टू एंजॉय सेंस ग्रांटेड। और उनको इतना बर दिया कि तुम्हें जो भी इंद्र तृप्ति करना है कर सकते हैं, धन भी मिलेगा सब, मतलब इतना भगवान ने वरदान दिया। अर्थात भगवान ने उसका सेवा स्वीकार करके इतना प्रमो कर दिया कि सारे जगह एडवर्टाइजमेंट हो गया कि ये जो टेलर है ये कृष्ण बलराम का डिजाइनर, वो क्या बोलते हैं आजकल फैशन डिजाइनर है, ये बेस्ट फैशन डिजाइनर, मतलब रैम शो फैम शो में उस समय के जितना भी बड़े बड़े लोग होंगे ड्रेस डिजाइनर के नाम में आया होगा उसका, तो पैसा कम ही थोड़ी होगा, वो तो करोड़पति बन गया होगा, उसका तो कॉपीराइट बन गया होगा, तुरंत पैटर्न बन गया होगा लोग। हाँ समझो, इस घटना के बाद कृष्ण भगवान ने प्रूव किया जो लोग भगत है जिनके पास धन संपत्ति इतना नहीं है या इंद्र तृप्ति के साधन नहीं है इनको मिल जाएगा, तो उन लोगों को सफिशियंट अपॉर्चुनिटी फॉर सच थिंग्स के लिए मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और शरीर की अंत होने के बाद वो लोग वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह अच्छे से ड्रेसिंग होने के बाद कृष्ण बलराम उन्होंने एक फ्लोरिस्ट के पास गए जिसका नाम सुदामा था। जब वहाँ वो पहुँचे दीदी उसकी घर की बाजू में, ये जो फ्लोरिस्ट था इमीडिएटली केम आउट एंड विथ ग्रेट डिवोशन वो प्रणाम किया भगवान को, उनको अच्छा कपड़े दिए, बैठने के लिए जगह दिया और उनको कहा कि अच्छे अच्छे सब फ्लावर फूल और बीटल नट्स चंदन लेके आओ। फ्लोरिस्ट मतलब जो सजावट करते हैं, तो शादियों में पहले हम लोग कभी बहन का शादी होता था भाई के शादी होता था हम लोग ऐसा गुदा इधर कर देते थे, ऐसा आपका इधर करता है ये मुंह में दूल्हे को नहीं, हम लोग दो चार और भी पेंटिंग होते थे वो लोग पेंटिंग करने लगा रहा, हम बचपन में बड़ी वो पेंटिंग तो बड़ी अच्छा लगता था है ना, पाउडर फाउडर लगा देते थे और बड़ी अच्छा से क्रीम फ्रीम लगाते थे लोग, और फिर चंदन से और इसमें
छोटा छोटा कलर होता था ना, और कलर से पूरा ऐसा लगा डिजाइन बना। हाँ, तो फिर दूल्हा के बाजू में बैठने का जाकर के ऐसा, नहीं तो घूमते रहने का, और लोग जो भी देखते रहते हैं बड़े अच्छा लगता है। हाँ, और वो जो साज सजावट करने वाला व्यक्ति था बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान को सजाया करके। आजकल शायद पैसा बहुत ले रहे हैं, ऐसा मैं सुना था कि एक एक ऐसा मेहंदी लगा देते कुछ तो 50,000 का लेते हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले कैसा होता था कोई घर के लोग सीख जाते, मतलब पहले इतना ऐसा ब्यूटी पार्लर फ्यूटी पार्लर इतना नहीं था, वो सब सजाते थे। और कहीं कहीं लड़के लोग को अच्छा सजाना आता था, जो लोग नाटक में ड्रेसिंग पेंटिंग कराते थे वो लोग ड्रेसिंग करते थे, लड़की हो कोई भी हो, मतलब वो लड़का है मतलब उनका काम वही होता था सजाना। तो जो गांव में जो ड्रामा पार्टी होता था ना, ड्रामा पार्टी में वो लोग पूरा एक्सपर्ट हो जाते थे, मतलब सब लगा कर मेकअप मैन वाले, और मेकअप मैन वाले अच्छा से ड्रेसिंग करते थे। हाँ, और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान आप मेरे घर में आए हैं, मैं सोच रहा था कि मेरे जो पूर्वज है और जो भी मेरे वरिष्ठ जो चले गए दिवंगत लोग हैं वो सभी का उद्धार हो गया आपके आने से। हे भगवान आप स्वयं भगवान हैं, सुप्रीम है, सभी कारण सर्व कारण कारणम इस भौतिक संसार का, लेकिन इस जगत के लोक हित के लिए आप यहाँ प्रकट हुए हैं और आप अपने स्वांश के साथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि आप इन जो असुरों को मारने के लिए आपके पदर पर हैं। आप सभी जीव का हित है, हितकारी है, फ्रेंड है, आप परमात्मा है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, मतलब कोई पात्र अंतर नहीं करते हैं, बंधु हो या शत्रु हो, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होते हैं। आपके भक्तों को आपने स्पेशल थोड़ा फेवर करते हैं, क्योंकि आपके भक्त लोग सदैव आपकी सेवा में लगे रहते हैं। हे भगवान मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये बताइए, व्हाट एवर यू विश मी टू डू, मुझे जो करना है मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, इटर्नल सर्वेंट हूँ, बोला शाश्वत रूप से दास हूँ। अगर आप मुझे ऑर्डर दोगे कुछ करने के लिए, ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। कभी कभी हम भक्त लोग बोलते हैं अगर मुझे मुझसे कुछ सेवा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, आप कुछ मुझे बताइए सेवा, कुछ तो बोलिए, ऐसा हम करते हैं। वो जो सुदामा था फ्लोरिस्ट, वो आज इतना बहुत प्रसन्न हो गया उसकी हृदय से कृष्ण बलराम को देख करके उसकी घर पर। तो वो दो बहुत सुंदर गार्लैंड बनाया, बहुत सुंदर दो माला बनाया अलग अलग फूलों से, 5-10 प्रकार के फूलों से, जो कि सुगंधित था, और कृष्ण बलराम को पहना दिया। और कृष्ण बलराम बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण ने उनको सैल्यूट किया एंड उसको बर भी दिया, जो कि भगवान सदैव अपने भक्तों को बर देते हैं। हम लोग कभी कभी गिफ्ट देते हैं ना, बर देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जब उस मेकअप मैन को जो फ्लोरिस्ट था उनको जब बेनेडिक्शन या बर याचना किया गया, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करने को मौका मिले और बाय सच सर्विस डू गुड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, मेरे से कुछ जन कल्याण हो पाए, इस तरह की उन्होंने प्रार्थना किया। उन्हें और कुछ नहीं मांगा, जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भौतिक चीज़ नहीं मांगते, कि भौतिक चीज़ बंधन एक कारण है, यदि कुछ समय के लिए हमको सुख प्रदान करेगा बाद में ये दुख की आदि अंत बंत कौनते या नतेशु रमते बुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करते, वो जानते हैं कि इसलिए उद्धव को भगवान ने कहा था दिस प्लेस इज नॉट ए फिट प्लेस टू ए परफेक्ट पर्सन, अच्छे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। और खास करके भगवान ने भक्तों को इसका एहसास कराते हैं,
है ना। क्यों एहसास कराते हैं? क्योंकि भागवत पढ़ेगा तो पता चलेगा कि भगवान पहले से ऐसे स्टेटमेंट दे के रखा है कि दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस, डोंट स्टे हियर एनी मोर। लेकिन हम तो पढ़ते नहीं, तो हमको लगता है चलो लेट्स एडजस्ट हाउ मेनी डेज, है ना। तो इसी से क्लियर होता है कि जो भगवान के भक्त है वो केवल अपना भक्ति से संतुष्ट नहीं होते, वो चाहते कि दूसरों को भी भक्ति मिले। ही मस्ट बी विलिंग टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों को हित चाहते हैं दूसरे के। ये एग्जाम्पल षोड़ गोस्वामी लोग भी फॉलो किया था, इसीलिए ये कहा गया है लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने। वैष्णव या भक्त लोग जो है ये सब स्वार्थ पर नहीं है, स्वार्थी नहीं है, ये परमार्थी है। तो लोग बोलते हैं परमार्थ का काम कर रहे हैं, हम परमार्थ का काम करना चाहिए। और जो भी बेनिफिट्स मिलता है भगवान से ये सब एक वरदान है और ये सब बांटना चाहते हैं। अगर भक्तों को गीता का नॉलेज मिला वो क्या करेगा? गीता लोगों को बताएगा। अगर उसको मिला है कुछ अच्छे चीज तो दूसरे को वो बताएगा। तो ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, समाज कल्याणकारी कार्य है। और भगवान कृष्ण ने उसको केवल यही वर नहीं दिया जो चाह रहा था, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा दिया। भगवान को उसको ऑफर किया सारे भौतिक संपत्ति, फैमिली प्रॉस्पेरिटी और बड़ी लंबी आयु। इस तरह ये भगवान कृष्ण मथुरा के प्रवेश करने के जो ये आज मथुरा प्रवेश हुआ, फिर आगे चल के कल जो है दूसरा टॉपिक है धनुर्भंग होगा, और भी कहीं लोगों को मिलेंगे। हरे कृष्ण।